कृष्णा दोस्तों, मित्रों, हिंदू धर्म के मुताबिक गरुड़ पुराण को 18 महापुराणों में से एक माना गया है। इसमें मनुष्य की जन्म और मृत्यु से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए गए हैं। यह तो आपने सुना होगा कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं उसका मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक में स्वागत किया जाता है, जबकि जिसने बुरे कर्म किए होते हैं उसको नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि श्री कृष्ण के अनुसार कर्म फल कैसे प्राप्त होता है? होते हैं कि क्या इस जन्म के कर्मों का फल हमें इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों से बच नहीं सकता है। मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे भोगने होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का वर्तमान का भाग्य उसके अतीत के कर्मों का ही फल है। उसी तरह मनुष्य वर्तमान में जो कर्म कर रहा है वो उसके आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। कोई भी मनुष्य कभी भी अपने कर्म फलों से बच नहीं सकता, उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, जो मनुष्य जैसा भी कर्म करता है उसी के आधार पर उसको अपना परिवार व रिश्तेदार मिलते हैं। उनके साथ उनका पूर्व जन्म से कोई ना कोई रिश्ता होता है। अगर आपके पूर्व के कर्म अच्छे हैं तो आपका सभी के साथ रिश्ता भी अच्छा होगा। दोस्तों, पूर्व जन्म के कर्मों से ही हमें इस जन्म में माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, प्रेमिका, मित्र, शत्रु और सगे संबंधी इत्यादि संसार के जितने भी रिश्ते नाते हैं वे सब मिलते हैं, क्योंकि इन सबको हमें या तो कुछ देना होता है या इनसे कुछ लेना होता है। वैसे ही संतान के रूप में हमारा कोई पूर्व जन्म का संबंधी ही आकर जन्म लेता है। जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, पूर्व जन्म का कोई ऐसा जीव जिससे आपने आरण लिया हो या उसका किसी प्रकार से भी धन नष्ट किया हो तो वह आपके घर में संतान बनकर जन्म लेगा और आपका धन बीमारी या व्यर्थ के कार्यों में तब तक नष्ट करेगा जब तक कि उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। पूर्व जन्म का कोई दुश्मन आपसे बदला लेने के लिए आपके घर में संतान बनकर आएगा और बड़ा होने पर माता पिता से मारपीट, लड़ाई या उन्हें सारी जिंदगी किसी भी प्रकार से सताता ही रहेगा। हमेशा कड़वा बोलकर उनको बेइज्जत करेगा, वह उन्हें दुखी रखकर खुश होगा। इस प्रकार की संतान ना तो माता पिता की सेवा करती है और ना ही कोई सुख देती है और उनको उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देती है। विवाह होने पर वह माता पिता से अलग हो जाती है। पूर्व जन्म में यदि आपने किसी की खूब सेवा की है तो वह आपकी की हुई सेवा का भार उतारने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए पुत्र बनकर आता है। जो बोया है वही काटोगे। यदि आपने माँ बाप की सेवा की है तो ही आपकी औलाद बुढ़ापे में आपकी सेवा करेगी, वरना कोई पानी पिलाने वाला भी पास ना होगा। इसलिए बुरे कर्मों का त्याग ही सर्वोत्तम है। एक गरीब आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते उसने एक ताजी ताजी मछली पकड़ी। पास में ही एक सेठ भी मछली पकड़ रहा था, लेकिन मछली पकड़ने का अनुभव ना होने के कारण काफी देर से उसके हाथ एक भी मछली नहीं लगी। सेठ ने जब देखा कि उस गरीब आदमी ने ताजी ताजी मछली पकड़ी है तो उसके मन में मछली को देखकर लालच आ गया और उसने गरीब आदमी के हाथ से मछली छीन ली। गरीब आदमी ने सेठ से कहा, ये मछली मैंने पकड़ी है, आप इसे क्यों छीन रहे हैं? सेठ ने अपनी ताकत दिखाते हुए उस गरीब आदमी से कहा, चल जा, दूसरी पकड़ लेना, ये मछली तो अब मेरी है। ऐसा कहकर सेठ वहां से चलने लगा। अभी मछली जिंदा थी और तड़प रही थी। मछली ने सेठ के अंगूठे में काट लिया जिससे वह सेठ के हाथ से छिटक गई और फिर से पानी में जा गिरी। सेठ के अंगूठे में गहरा घाव हो गया और तेजी से खून बहने लगा। सेठ दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने अंगूठे पर पट्टी कर दी और बोला,
तीन दिन बाद आकर दिखाना। तीन दिन के बाद सेठ दोबारा डॉक्टर के पास पहुंचा और अपना घाव दिखाया। घाव ठीक होने की बजाय और गहरा हो गया। डॉक्टर ने बोला, अब इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटा तो हाथ खराब हो जाएगा, मरता क्या ना करता। सेठ ने अपना अंगूठा कटवा लिया। डॉक्टर ने फिर से पट्टी बांधी और तीन दिन बाद आने के लिए कहा। सेठ तीन दिन बाद फिर गया। पट्टी को खोला गया, घाव सड़ने लगा था, जिसे देखकर डॉक्टर ने बोला, आपका घाव सड़ रहा है, हाथ कलाई तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा हाथ जाएगा। सेठ बोला, काट दो, और कोई रास्ता नहीं है। सेठ की कलाई काटकर पट्टी बांध दी गई और उसे चार दिन बाद फिर से आने के लिए कहा। सेठ चार दिन बाद पहुंचा। डॉक्टर ने पट्टी खोलकर देखा तो घाव वैसे का वैसा था। डॉक्टर ने कहा, हाथ कोहनी तक काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा बाजू जाएगा। सेठ ने वो भी कटवा लिया। सेठ को पट्टी बांध दी गई और चार दिन बाद फिर से आने को कहा। चार दिन बाद डॉक्टर ने घाव को देखकर कहा, अब तो बाजू काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा शरीर सड़ जाएगा। अब सेठ का पूरा बाजू काट चुका था। तभी सेठ के एक मित्र ने उससे पूछा कि तुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हुई, आखिर ये क्या हो रहा है, तू जाने अनजाने कोई गलती तो नहीं कर बैठा जिसके कारण तेरे साथ ये सब हो रहा है। सेठ बोला, हां एक गलती तो हुई है, मैंने किसी की मछली पर हाथ मारा था, मेहनत उसकी थी मगर खाना मैं चाहता था। मित्र ने जैसे ही सुना उसने सेठ से कहा, जरूर ये उस मछली वाले आदमी की वजह से ही हो रहा है, तू जल्दी से जा और उसे ढूंढ, उसके सामने नाक रगड़ और माफी मांग। सेठ दौड़ा और उस गरीब आदमी को ढूंढा, उसके पैरों में गिर गया और उससे पूछा, ये तूने क्या किया, क्या तुझे कोई तंत्र मंत्र की विद्या आती है, तूने क्या किया मेरे साथ, कोई श्राप दिया, कोई बद्दुआ दी, तूने क्या कहा। गरीब आदमी हाथ जोड़कर बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया सेठ, बस ऊपर देखा और कहा, हे भगवान इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। मित्रों हमेशा याद रखिए, बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही होता है। कर्मों का फल हमें वैसे ही ढूंढ लेता है जैसे बछड़ा खो जाने पर सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। बुरे कर्म करने वाला अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। गरुड़ पुराण के पांचवें अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच एक संवाद होता है, जिसमें पक्षीराज गरुड़ भगवान हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तब उसे किन किन प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ता है। श्री हरि मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि यमलोक में पहले से ही कई आत्माओं को यातनाएं मिल रही होती हैं, वहां का दृश्य बहुत ही भयावह होता है, जिसको देखकर आत्मा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। इसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त और यमराज को देते हैं। वो दूर से ही सब कुछ देखने और सुनने में समर्थ हैं। मनुष्य जो भी कर्म करते हैं उन्हें वे दूर से देख और सुनकर उनका लेखा जोखा तैयार करते हैं। भगवान ने गरुड़ को बताया कि पुरुषों के कर्म को श्रवण देखते हैं और स्त्रियों के कर्मों को श्रवणी देखती है। वे यमराज को व्यक्ति के पाप और पुण्यों की जानकारी देते हैं। इनके द्वारा दी गई जानकारी की पुष्टि सूर्य चंद्र अनल वायु और दोनों संध्याएं करती हैं। इसके बाद चित्रगुप्त से विचार विमर्श करके यमराज मनुष्य को दंड देते हैं। बता दें कि गरुड़ पुराण के धर्मकांड अध्याय के प्रेतकल्प भाग में मृत्यु के बाद मृत आत्मा के साथ होने वाले सभी कार्यों का वर्णन किया गया है। इसी भाग में गरुड़ देव ने प्रभु श्री हरि से पूछा कि हे हरि, मृत्यु के पश्चात किन किन आत्माओं को कहां कहां जगह मिलती है, जिस पर श्री हरि ने उत्तर देते हुए कहा कि जो मनुष्य जीवित रहते हुए गलत कार्य करते हैं या फिर दुष्ट होते हैं वे नरक जाते हैं,
और जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे स्वर्ग जाते हैं, स्वर्ग जिसे देवताओं का स्थान माना जाता है। जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें नरक में दंडित किया जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। आपके पास ध्यान है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और इन सब चुनौतियों को पार करके कैसे आप आगे जाते हैं, यह बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। बदले की भावना से किया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कदर नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वो अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए दंड मिला है और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझता कि समाज व्यक्तियों का एक भाग मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, न कि समाज के प्रति घृणा करता। मित्रों, मनुष्य का जीवन उसकी बीती हुई क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहां, कैसे था, शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है, और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के कर्मों के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है, और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा पीछा करते हैं? राजा परीक्षित एक महाज्ञानी, विद्वान और संस्कारी राजा थे, लेकिन उनसे एक महापाप हो गया था। क्रोध के आवेश में आकर उन्होंने एक निरापराधी ब्राह्मण आर्षी के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया था। राजा घर आए, शांत होते ही उनको उनके दुष्कृत्य का एहसास हुआ और पछताकर कहने लगे कि मुझसे कितना भयंकर पाप कर्म हो गया, अब वह समय तो वापस नहीं आ सकता, तो राजा परीक्षित को इस कृत्य का फल तो भोगना हो पड़ेगा। राजा परीक्षित एक महान राजा थे, उन्होंने अपनी सत्ता का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। राजा परीक्षित ने अपनी भूल को स्वीकार किया और खुद को दंड करने के लिए कहा कि मेरा बल, समृद्धि, सब कुछ ब्राह्मण आर्षी की क्रोधाग्नि में जल जाए, जिससे मेरे दिमाग में किसी को दुख या क्षति पहुंचाने का विचार ना आए। राजा परीक्षित अपने पापों का फल भुगतने के लिए तैयार थे। उन्होंने कभी भगवान से कोई सिफारिश नहीं की और ना ही अपने राजा होने का घमंड किया। उन्होंने तो भगवान से अपने पापों का दंड मांगा, जिसके उदाहरण से भविष्य में कोई राजा क्रोध के आवेश में या फिर अपने राजशाही के घमंड में आकर ऐसा दुष्कृत्य नहीं करे। इस प्रकार राजा परीक्षित अपने कर्म फल से भागे नहीं और परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। वह भागने की कोशिश करते तो भी कर्म अपना फल दिए बिना नहीं छोड़ता। मित्रों, कुछ बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, जबकि जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी यह सवाल आया है तो आज
आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। यह जवाब वह है जो भागवत कथा में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वे श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वह श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है, निःसंकोच कहो। अर्जुन ने कहा, मुझे यह जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वही बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वह सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी यह बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वह जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब ये मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था, वह हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वही दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वह हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। इस समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वह एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भारी पोट ली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वह दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वह सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पाठ क्या, अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि
कि वह हमेशा अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्मकर्ता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म आपको अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार गाय का बच्चा झुंड में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार कर्म का फल आपको हजारों की संख्या में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं, छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी भी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। अपनी जिंदगी को जंगल के उस पौधे की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। आप तब तक कभी नहीं समझ पाएंगे कि आपने किसी को क्या नुकसान पहुंचाया, जब तक कि आपके साथ भी वही व्यवहार किया नहीं जाता। इसी को कर्म कहते हैं। मित्रों, ये बात तो आप सबको भी पता ही होगी कि अगर हम कुछ कमाई भी नहीं कर रहे हैं और हमारी शादी नहीं हुई तो उसकी वजह हम खुद ही है, क्योंकि गरीब पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब ही मर जाना बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर हमारे हाथ पैर सही सलामत है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। और आजकल तो जिन लोगों के हाथ पैर भी नहीं है वह लोग भी देश में नाम कमा रहे हैं। यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इस जन्म में हमें हमारे जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी मिलता है वह सारे पूर्व कर्म का फल है। कर्म फल पाने के वक्त अज्ञानता से हम नए कर्म बीज बोते हैं या डालते हैं, जिसका फल हमें जरूर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर पक्के आम खाने के बाद जब हम उसकी गुठली जमीन में बोते हैं और खाद पानी वगैरह देते हैं तो उसका फल तुरंत नहीं मिलता, बल्कि 4-5 साल बाद पहला फल गर्मी के मौसम में ही मिलता है। वैसा ही हमारे कर्मों के फल का हिसाब किताब है। पूर्व जन्म में यदि हमने किसी को दुख दिया तो इस जन्म में हम उस दुख के 3-4 गुना अधिक चक्रवृद्धि ब्याज जैसा दुख इस जन्म में पाते हैं। उसे उल्ट पूर्व जन्म में हमने यदि किसी को सुख दिया तो वह भी 3-4 गुना होकर मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति हमेशा सावधान रहना चाहिए और बुरे कर्मों से बचकर अच्छे कर्मों का अनुकरण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखिए।